नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, तो एक बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट किया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कुकिंग। तो यहाँ आज मैं तो भी यहाँ पे मैं भगोने में दूध रख दी हूँ जिसका मुझे बनाना है और रबड़ी, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म करने के लिए। जब तक कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है तब तक मैंने यहाँ पे मिल्क ब्रेड ले लिया है और इसे मैं बीच से कट कर लूँगी, जैसे ट्रायंगल शेप में मुझे इसे कट करना है। और ये सारे ब्रेड की स्लाइसेस को मैं ऐसे ही कट कर लूँगी क्योंकि आज मुझे ब्रेड का यम्मी सा डिश बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं बहुत सारे टुकड़े भी निकल रहे थे, मैं इसे झाड़ के रख ली हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई जो हमारी गर्म हो गई है इसमें मैं ऑयल डाल दी हूँ और थोड़ा सा घी, दोनों मैं मिक्स करके डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक और कढ़ाई रख दिया, जब तक कि ऑयल गर्म हो रही है तब तक मैं यहाँ पे चाशनी बनने रख देती हूँ। तो कढ़ाई मैंने एक गिलास और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और जैसे पानी में थोड़ा पानी गुनगुना हो जाएगा फिर मैं उसमें शक्कर डालूँगी। और तब तक यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है तो मैं सारे ब्रेड को इसमें तल ले रही हूँ। और इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड को तल लूँगी। और यहाँ देखिए, और थोड़ा हमें क्रिस्पी इसे तलना है, और ब्रेड को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये तल जाता है। और ये देखिए इससे मैं सारे ब्रेड को तल ली हूँ, तभी यहाँ पे पानी गुनगुना हो गया है, तभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ शक्कर चाशनी बनाने के लिए। तो हमें चाशनी में कोई ख़ास ध्यान नहीं देना है, चाशनी को ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, हमें पतला ही बनाना है जितना कि हम इस ब्रेड को जो हम फ्राई करके रखे हैं इसमें डुबा सकें। हमें पहले से चाशनी तैयार करके रख लेना है, लेकिन मैं एक्चुअली क्या है कि बाद में चाशनी तैयार कर रही हूँ और एक साइड मेरी रबड़ी भी हो रही है, तो ये रबड़ी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है दूध को पकाने में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी जो है चाशनी रेडी हो गई है और यहाँ रबड़ी भी रेडी हो गई है। तो अभी मैं दोनों को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी जैसे ही हो जाएगा। और मेरे पास थोड़ा सा पहले का भी रबड़ी था जो मखाना वाले में बनाई थी ना, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे भी थोड़ा डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए रबड़ी भी थोड़ी ठंडी हो गई है और चाशनी भी। तो अभी इन सारे ब्रेड के टुकड़े को मैं चाशनी में डाल के बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इस पर लगाऊँगी जो मैं रबड़ी तैयार करके रखी हूँ ना मलाई। और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है। मैंने चाशनी में एक इलायची भी डाल दिया था ताकि इससे एक अलग सा फ्लेवर आ जाए। और इस तरीके से डुबा डुबा के मैं सारे ब्रेड के टुकड़े को डाल दूंगी और इसे हम लोग बोलते हैं शाही टुकड़ा। और खाने में बिल्कुल शाही अंदाज है इसका, मतलब एक बहुत अच्छा डेजर्ट भी है। अगर गेस्ट घर में आने वाले हैं तो हम इसे तैयार करके पहले से रख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस पे अब चाशनी लगा के और अच्छे से सजा लेती हूँ और उसके बाद मैं बाकी लोगों को ब्रेकफास्ट दे दूँगी। पहले खाइए तो सही यार, टेस्ट किया था लेके आया था तो उसमें ये मलाई नहीं लगा था। ये क्या है, शाही टुकड़ा। क्या आँख बंद करके खाते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए हस्बैंड से तारीफ मिल गई यानी मेहनत सफल हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के पूजा करूंगी और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। सो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अब कुछ आप भी फ्रेंड्स, और अभी यहाँ पे सडनली प्लान हो गया कहीं बाहर जाने के लिए, कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए हैं, सो मैं भी रेडी हुई हूँ, तो अभी निकल रहे हैं और रास्ते में आप लोगों से मिलती हूँ।
और यहाँ पे बाइक पे बैठ के चलते चलते हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे और लास्ट में डिसाइड हुआ कि हम लोग मॉल जाते हैं, मतलब काफ़ी दूर यलंका यहाँ से जो कि 18 किलोमीटर दूर है जहाँ से हम लोग रहते हैं, और वहाँ हम लोग चले गए थे विदाउट एनी प्लान। तो कुछ बड़े के लिए तो शॉपिंग में मतलब कुछ कपड़े मैं डिसाइड करके लेके आई हूँ अभी ट्रायल में और ट्राई कर रही हूँ, और ये है ब्लैक कलर, आई डोंट नो कैसा लग रहा है। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती शुरू है, एक्चुअली मैं और हस्बैंड ही जाने वाले थे लेकिन बच्चे को कहाँ छोड़ते हैं, और यहाँ मैं कुछ अपने बर्थडे के लिए कपड़े देख रही थी लेकिन गई तो थी कि हाँ मैं कपड़े ले लूँगी, लेकिन फाइनली यही हुआ कि मैं बिना कपड़ा कहीं वापस आ गई, कुछ डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं क्या लूँ। एक्चुअली मैं मुझे कुछ वेस्टर्न ही लेना था लेकिन कुछ ठीक ठाक पसंद आ नहीं रहा था, और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं बच्चों को थोड़ा सा खिलाने पिलाने के लिए, और उसके बाद फिर देखते हैं मॉल वगैरह और घूमेंगे फिरेंगे। Show me your toys. This is slime. Like robot yaar, like robot yaar. I love it. और यहाँ पे मिल गया बच्चों को अपना मस्ती करने वाला जगह यानी किड जोन, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे और बच्चों ने यहाँ पे खूब सारा एंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या क्या मस्ती किए यहाँ पे, कौन कौन सा गेम खेले। साइड तो ये हुआ था कि चलो उधर जा रहे तो मैं अपने बर्थडे के लिए कपड़े ले लूँगी, लेकिन कपड़े तो मैं ली नहीं, लेकिन बच्चों की बहुत सारी मस्ती हो गई, बहुत उन लोगों ने इन्जॉय किया और बच्चों ने इन्जॉय किया तो हम लोगों ने भी इन्जॉय किया बच्चों के साथ साथ, मतलब हो ही जाता है बच्चे खुश होते तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स भी
उसी में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का बस गेम चल रहा है, तो हम लोगों ने एक पास ले लिया था, वो जस्ट लाइक कार्ड की तरह था, उसमें रिचार्ज करो और यूज़ करो, तो 14-15 गेम का था उसमें एक ही साथ। और इस तरीके से बच्चों ने बहुत सारे इन्जॉय किया। और उसके बाद ये सारे इन्जॉयमेंट होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से घर निकल गए, घर पे आ गए हैं और बच्चे अपना जो टॉय लेके आए हैं उससे वो खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अभी चाय रख दिया, बच्चों के लिए दूध रख दिया, इधर चाय रख दिया है और अभी चाय लूंगी मैं और उसके बाद रात की डिनर का तैयारी करूंगी, क्योंकि दिन में भी हम लोग ढंग से कुछ खाए नहीं है, बच्चों को बाहर लेके चले गए थे और सारा टाइम बस वहीं पे बच्चों के साथ कैसी बीत गया पता नहीं चला पूरे दिन का। तो अभी 6:30 हो रहा है और चाय पीने के बाद मैं डिनर की तैयारी में लगूंगी और उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। याद आया मैंने अपने ब्लॉग एंड भी नहीं किया है और जल्दी जल्दी मैं खाना बनाई, तो कढ़ी चावल सब्जी चोखा रोटी ये सारे खाना मैंने बनाया और अभी बहुत इसकी भूख लगी थी तो मैं खाने बैठ गई थी। सो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा खाना कढ़ी चावल चोखा और ये जो अभी मैं कैबेज की सब्जी बनाई और ये पहले का मतलब कल वाली सब्जी थी जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।